ये वीडियो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही मेहनत के बाद बनाई गई है और मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल फ्री है। अगर आप फ्री में व्हाट्सएप के थ्रू भी लर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरी हर एक वीडियो फ्री है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवे एजुकेटर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिर से मैं आपको 10 वर्ड्स सिखाऊंगा और आई होप कि ये 10 वर्ड्स कुछ आपके इसमें नए होंगे और कुछ आपको पहले से पता होंगे। तो जो पहले से पता है उनको आप रिवाइज कीजिएगा और जो नए हैं उनको सीखकर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि आपको ये वर्ड्स याद रहें, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ड है हमारा मेंटल लॉट ऑफ मनी, राइट। तो मेंटल लॉट ऑफ मनी का मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना, ठीक है। बोलते हैं ना नोट छाप रहा है, तो हम बोलते हैं बहुत सारे पैसे कमाना, बहुत सारे पैसे कमाना, पैसे कमाना। जैसे जैसे भाई आजकल तुम्हारा भाई बड़ा पैसे कमा रहा है, तो नाउ डेज योर फ्रेंड योर ब्रदर इज मेंटिंग अ लॉट ऑफ मनी। जैसे मैं यार बहुत पैसे कमा रहा हूँ आजकल, तो नाउ डेज आई एम मेंटिंग अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे भाई आजकल बहुत पैसा कमा रहे, तो योर ब्रदर्स आर मिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी। जैसे मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, आई विल मिंट अ लॉट ऑफ मनी। मैंने बहुत पैसे कमाए हैं तो आई मिंटेड अ लॉट ऑफ मनी, राइट। सो ये मिंट अ लॉट ऑफ मनी का मतलब हुआ है बहुत सारे पैसे कमाना। नेक्स्ट, थ्रो डस्ट इन समवन साइज, मतलब आँखों में धूल झोंकना, इसको बोलते हैं आँखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब हुआ है थ्रो डस्ट इन समवन साइज। जैसे तुम अपने पापा की आंखों में धूल झोंक रहे हो, तो यू आर थ्रोइंग डस्ट इन योर फादर्स आई, राइट। जैसे मैं अपनी मम्मी की आंखों में धूल झोंक रहा था, आई वॉज थ्रोइंग डस्ट इन माई मदर्स आईज। तुम अपनी बहन की आंखों में क्यों धूल झोंक रहे हो, वाई आर यू थ्रोइंग डस्ट इन योर सिस्टर आईज, राइट। जैसे बच्चे टीचर की आंखों में धूल झोंक कर बाहर चले गए, तो द स्टूडेंट वेंट अवे एंड थ्रो डस्ट इन द टीचर्स आईज। तो थ्रो डस्ट इन समवन आईज का मतलब हुआ है किसी की आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट, फाइंड डैश स्टीलिंग, मतलब किसी को कुछ करते देखना। यहाँ लिखा है फाइंड दिस पर्सन स्टीलिंग, मतलब कुछ पैसे चुराते देखना, है ना। पकड़ना मतलब पैसे चुराते पकड़ना, पैसे चोरी करते पकड़ना, यहाँ सही वर्ड यूज होगा चोरी करते पकड़ना, चोरी करते पकड़ना, राइट। सो फाइंड डैश स्टीलिंग मतलब किसी को चोरी करते पैसे। जैसे मैंने अपने दोस्त को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, तो आई फाइंड माई फ्रेंड स्टीलिंग मनी। वो तुम्हारे, मैंने चोर को बैग चुराते हुए पकड़ लिया, तो आई कॉट द थीफ फाइंडिंग हिम स्टीलिंग, राइट। या फाइंडिंग हिम ही आएगा क्योंकि अब हम थोड़ा आगे वाले रूल्स में पहुंच गए थे। चलिए, मैं तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ लूँगा, आई विल फाइंड यू स्टीलिंग मनी, राइट। सो स्टील फाइंड डैश स्टीलिंग का मतलब है इसको फाइंड करना, मतलब पकड़ लेना, चोरी करते पकड़ना। नेक्स्ट, टेक पिटी ऑन दिस पर्सन, तो टेक पिटी मतलब तरस खाना, राइट। तो जब तरस खाना है आपको, तरस खाना है तो आप बोलेंगे टेक पिटी ऑन। जैसे मुझे उस पिल्ले पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, तो आई टुक पिटी ऑन दैट पपी। जैसे मुझे उस बूढ़े आदमी पर बहुत तरस आ रहा था, तो आई वॉज टेकिंग पिटी ऑन द ओल्ड मैन। तो टेकिंग पिटी ऑन दिस पर्सन मतलब इस बंदे पर तरस खाना। नेक्स्ट, एट सच अ टेंडर एज, टेंडर एज मतलब बहुत कम उम्र में, इसको बोलते हैं छोटी उम्र में, छोटी उम्र में। तो इतनी छोटी उम्र में उसने बीए कर लिया, ही हैज़ डन बीए एट सच अ टेंडर एज। उसने छोटी सी उम्र में 3 मिलियंस फॉलोअर कलेक्ट कर लिए, ही कलेक्टेड 3 मिलियंस फॉलोअर्स एट सच अ टेंडर एज, राइट। तो टेंडर एज बोलते हैं छोटी सी उम्र में, बहुत कम उम्र में इस बंदे ने ये कर लिया। नेक्स्ट, स्मैशिंग रिप्लाई, रिप्लाई तो आप करते हो, लेकिन अगर वो स्मैशिंग है, स्मैशिंग का मतलब है मुँह तोड़ कर जवाब देना, तो स्मैशिंग रिप्लाई का मतलब है मुँह तोड़ जवाब देना, मुँह तोड़ जवाब देना, जवाब
देना, मतलब मुंह तोड़ जवाब देने का जो आएगा सेंस आएगा स्मैशिंग रिप्लाई। जैसे मैंने उसे एक मुंह तोड़ जवाब दिया तो आई गेव हिम स्मैशिंग रिप्लाई। जैसे उसने मुझे एक मुंह तोड़ जवाब दिया तो ही गेव मी स्मैशिंग रिप्लाई। तो स्मैशिंग रिप्लाई का मतलब है मुंह तोड़ जवाब देना। जैसे किसी बंदे ने मेरे उस वीडियो पे कमेंट की हुई थी, बहुत ज़्यादा बहुत ही गंदा लिखा हुआ था, तो मैंने उसको एक स्मैशिंग रिप्लाई दिया था। फिलहाल उसको मैंने रिपोर्ट भी कर दिया और उसके बाद उसे ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना बुरा करोगे मेरे लिए। नेक्स्ट गॉड विलिंग। गॉड विलिंग ने का मतलब है भगवान ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो। जैसे भगवान ने चाहा तो हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। सो अगर आपको ये कहना है वी विल कम टू योर होम, और फिर आप बोलेंगे गॉड विलिंग। जैसे भगवान ने चाहा तो तुम्हारा लड़का पास हो जाएगा, तो कैसे बोलेंगे योर सन विल बी पास्ड इफ गॉड विलिंग, राइट। अगर भगवान ने चाहा तो, इफ गॉड विलिंग। जैसे भगवान ने चाहा तो हम अगले साल फिर तुम्हारे पास आएंगे, वी विल कम टू यू इफ गॉड विलिंग, राइट। तो भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा, तो गॉड विलिंग बोलना है, ठीक है, कि भगवान ने चाहा तो। गॉड फॉरबिड, फॉरबिड कहते हैं मना करने, तो भगवान ना करे ऐसा हो, है ना। तो हम लिखते हैं भगवान ना करे। जैसे भगवान ना करे कि तुम्हें पैदल घर जाना पड़े, तो गॉड फॉरबिड दैट यू हैव टू गो बाय योर फीट्स, राइट। भगवान ना करे तुम्हारा पैसा चोरी हो जाए, तो गॉड फॉरबिड योर मनी विल बी लॉस्ट, राइट। सो गॉड फॉरबिड का मतलब हुआ है भगवान ना करे। नेक्स्ट गेट पीस ऑफ माइंड। गेट पीस ऑफ माइंड मतलब दिमाग की शांति के लिए। गेट पीस ऑफ माइंड का मतलब है दिमाग की शांति के लिए। जैसे दिमाग की शांति मिलना, राइट। तो मुझे मंदिर जाकर दिमाग को शांति मिली, मेरे मन को शांति मिली, तो आई गॉट पीस ऑफ माइंड व्हेन आई वेंट इनटू द टेंपल। तो मन की शांति मिलना, गेट पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलना, शांति मिलना। तो मन की शांति मिलना मतलब गेट पीस ऑफ माइंड। जैसे तुम्हारी मम्मी को वैष्णो देवी जाकर मन की शांति मिली, तो योर मदर गॉट पीस ऑफ माइंड व्हेन शी रीच्ड एट वैष्णो देवी टेम्पल। नेक्स्ट लूज वन सेंस ऑफ शेम। शर्मो हया बेच कर खाना, इसको लिख देते हैं शर्मो हया बेच कर खाना। तो शर्मो हया बेच कर खाना हुआ लूज वन सेंस ऑफ शेम। जैसे राधिका ने शर्मो हया बेच कर खा लिया, तो राधिका हैज लॉस्ट हर सेंस ऑफ शेम, राइट। यहाँ उसका नाम आएगा जिसने, जैसे रवि ने शर्मो हया बेच कर खा ली, तो रवि लॉस्ट हिज सेंस ऑफ शेम। सेंस ऑफ शेम बोलते हैं शर्मो हया। तो लूज मतलब बेच कर खाना या ख़त्म कर देना या खो देना, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो है शर्मो हया बेच कर खाना। जैसे तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरा शर्मो हया तुमने बेच कर खा रखी है, यू विल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू हैव लॉस्ट योर सेंस ऑफ शेम, राइट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, बुरा मत मानना, इफ यू लाइक दिस वीडियो टू डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नव एजुकेटर। सो स्टूडेंट वी हैव कम्प्लीटेड अवर नेक्स्ट 10 वर्ड्स, और अब नेक्स्ट वीडियो में और 10 करेंगे। तो आप लोग फिलहाल हमारी सारी वीडियो को वॉच करते रहें, रेगुलरली हम अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।